भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपना मंगल मिशन मार्स पेंसिवेंस रोवर 18 फरवरी की रात 2:30 बजे लाल ग्रह की सतह पर उतारा। इस मिशन से अमेरिका और नासा का नाम तो ऊंचा हो ही रहा है, लेकिन इससे दुनिया को क्या फायदा होगा, इसका ये एक जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर जो है हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं कि इससे क्या फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि नासा ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो समेत यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूएई की स्पेस एजेंसी और चीन की स्पेस एजेंसी को मार्स परसिवरेंस रोवर से संबंधित डेटा शेयर किया है। अब आपको बताते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये भारत के लिहाज से जो है वो कितना बड़ा डेवलपमेंट है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इससे इन सभी एजेंसियों के सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट जो है वो आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि चीन, भारत, यूएई और यूरोप के मार्स मिशन भी मंगल के चक्कर लगा रहे हैं। नासा ने कहा है कि ये सुरक्षा और साइंटिफिक मिशन के हिसाब से बेहद जरूरी है। इससे बड़ा सवाल हम भारतीयों के लिए है, क्योंकि भारत इकलौता देश है और इसरो पहली स्पेस एजेंसी जिसका मंगल मिशन पहली बार में ही सफल रहा था। क्या नासा के मार्स परसिवरेंस रोवर से भारत को कोई फायदा होगा, यह भी एक सवाल है। इसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। आज से करीब 7 साल पहले 30 सितंबर की तारीख बताई जाती है और साल बताया जाता है 2014 को इसरो और नासा के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते में धरती और मंगल ग्रह के मिशन साथ में मिलकर करने की बात होती है नासा और इसरो में 7 साल पहले। उस समय इसरो चीफ थे डॉक्टर के राधाकृष्णन और नासा के प्रमुख थे चार्ल्स बोल्डन। वो उस समय की बात है जब नासा ने मंगल पर अपना मेवेन और इसरो ने मंगल यान भेजा था। टोरंटो में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में शामिल होने जो गए दोनों साइंटिस्ट्स थे, अलग से मिले, दोनों ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। जो हस्ताक्षर हुआ उसके बाद जो है वो नासा और इसरो ने मिलकर नासा इसरो मार्स वर्किंग ग्रुप बनाया, यानी कि मार्स मिशन तब से ही बहुत ज्यादा जरूरी रहा है। मकसद साफ था कि दोनों देशों की स्पेस एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य है वो मंगल है। साथ ही मंगल ग्रह के भविष्य के प्रोजेक्ट को लेकर भी इससे फायदा होगा और साथ में मिलकर काम करने की योजना तैयार की गई थी, या फिर एक दूसरे से जरूरी डेटा और जानकारियां शेयर करने का भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। भारत अपने मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। माना जा रहा है कि इस बार इसरो मंगलयान 2 में मार्स पर लैंडर भेजेगा। अगर इसरो मंगलयान 2 लॉन्च करेगा तो उससे नासा के मार्स परसिवरेंस रोवर से मिलने वाली जानकारियां काम आएगी, क्योंकि वहां का डेटा पहले से उनके पास हासिल होगा, जिससे उनको और क्लियरिटी मिलेगी। मंगल ग्रह के मौसम, वातावरण, वायुमंडल में हो रहे बदलाव की जानकारी भी मिल सकेगी इसके कारण, और उसके जरिए जो मंगलयान 2 मिशन है उसको ज्यादा सटीक और सफल बनाया जा सकेगा। साथ ही नासा इसरो के साथ मिलकर मंगलयान 2 की टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक बना सकता है, अगर उसकी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इससे भारत और इसरो की मंगल ग्रह पर लैंडर उतारने की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है, और इसके साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में बड़े बड़े शोज जो हैं वो सामने निकल कर आ सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में जो है वो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और नासा दोनों को ही बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार। जय हिंद।